sharks. हम बढ़ रहे हैं, हम 140 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी हम बढ़ रहे हैं. लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी को खाना खिलाने के लिए जो जमीन लगती है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है. आज एग्रीकल्चर में हमें किसी उन्नत टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स. आज गांव के किसान से लेकर स्पेसशिप के साइंटिस्ट भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना खाना उगाने के लिए. शार्क्स, वेस्टर्न कंट्रीज में हाइड्रोपोनिक कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भारत में उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई. उसके तीन मुख्य चैलेंजेस थे, एक क्या उगाएं, दूसरा कैसे उगाएं, और तीसरा जो उगा है वो कहाँ बेचे. और हम आज इन्हीं चैलेंजेस का सोल्यूशन लेके आए हैं आपके सामने. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सुधीर देवकर. और मैं हूँ प्रिया देवकर, और हम हैं फाउंडर्स ऑफ क्राइजन बायोटेक. क्राइजन बायोटेक एक एग्रीटेक कंपनी है जो एक वर्टिकल फार्मिंग और उसके अराउंड इकोसिस्टम बना के आपको कम से कम जगह में, कम से कम रिसोर्सेज और कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देती है. आज हम वर्टिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक एकड़ का प्रोडक्शन 5000 स्क्वायर फीट जैसी छोटी सी जगह में ले सकते हैं. अब तो हम अपने फ्लैट के बालकनी में भी एक हाइड्रोपोनिक फार्म चला सकते हैं. हमारी आजू बाजू की क्लाइमेटिक कंडीशन और जियोग्राफी को ध्यान में रख के इस फार्म का निर्माण किया जाता है. क्राइजन बायोटेक ने तीन सॉल्यूशन बनाए हैं. पहला सॉल्यूशन प्राइस वॉचर. प्राइस वॉचर की मदद से हमें पता चलता है कि आने वाले समय में कौन से फसलों की कीमत बढ़ने वाली है, तो आज हम डिसीजन ले सकते हैं कि किसका प्लांटेशन करें जिससे आने वाले समय में हमें फायदा मिल सकता है. दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी है हाइड्रोबिल्ट. हाइड्रोबिल्ट हम कहीं पर भी बैठ के हमारे फार्म को मैनेज करने में मदद करता है. ये AI बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग ऑटोमेशन सिस्टम है. और तीसरा है बायर्स कनेक्ट. जो भी चीजें हम उगाते हैं उसको हम बायर से कनेक्ट करके बहुत ही आसानी से बायर्स को बेच सकते हैं. और इसी तरह हमने पूरी इकोसिस्टम बनाई है, और इन्हीं चीजों की मदद से आज मनाली से लेके अंडमान निकोबार तक 40 से भी ज्यादा फार्मर्स को हमने उनके फार्म सेटअप करने में मदद की है. शार्क्स, हमारा विजन है कि हम इंडिया के हर एक फार्मर्स तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाएं और फार्मिंग को एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बने. तो आज हमारी एक छोटी सी आस के 75 लाख फॉर 3% ऑफ आवर कंपनी. तो आइए शार्क्स, मिलके इस देश के सबसे बड़े इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. क्राइजन बायोटेक के साथ अब कोई भी कहीं भी फार्मिंग कर सकता है. ऑसम, वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू. धन्यवाद. आपने AI का वर्ड यूज किया एग्रीटेक में जो पहले कभी नहीं किया, तो मे बी आप उससे शुरुआत करें कि आप AI कैसे यूज कर रहे हैं. AI हम लोग दो जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं. पहला AI का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइस वॉचर में, जहाँ पे हमने क्या किया कि पिछले कई सालों का अलग अलग कमोडिटीज का डेटा हमने गैदर किया है. क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे चेंज होती है या फिर जिस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है मार्केट में, कमोडिटी की प्राइसिंग चेंज हो जाती है. उससे हम लोग बस ये अनुमान लगाते हैं कि क्या ये चीज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. उसी अनुमान पे हम आज डिसीजन ले सकते हैं कि इसका प्लांटेशन करना चाहिए कि नहीं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी विंटर का सीजन चालू हो गया, हम देख सकते हैं कि बीसिल की कीमत स्टैग्नेंट रहेगी, कोकचा की कीमत बढ़ सकती है, ब्रोकली कीमत बढ़ सकती है. तो इस पे आज फार्मर डिसीजन ले सकता है कि उसे बेसिल नहीं उगाना चाहिए, उसे ब्रोकली उगानी चाहिए, जिससे उसको ज्यादा फायदा हो सकता है आने वाले 3 से 4 महीने. अभी तो हम लोग AI बहुत बेसिक लेवल पे है, लेकिन धीरे 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 और एडवांस होते जाएगा. तो ये आपने खुद बनाया है? ये हम लोग का इनहाउस डेवलपमेंट है. आपका क्या बैकग्राउंड है? मैंने अपनी स्कूलिंग की थी मुंबई से, फिर मैं गया बैंगलोर इंजीनियरिंग के लिए RGIT हिब्बल में, और उसके बाद मैंने मल्टीपल MNC कंपनीज में काम किया. और आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ. आप कपल हैं? Yes. इसकी भी एक स्टोरी है, आप ही से कनेक्टेड है. shadi.com पे मिले. मेरे को एक्चुअली पता है हाइड्रोपोनिक क्या होता है, बाकियों के लिए थोड़ा समझा दो होता क्या है. इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रो मतलब पानी हो गया. वाओ, यू आर पुटिंग समथिंग टू वर्क. अब जब हम लोग पानी को इस्तेमाल करते हैं सॉइल के जगह पे, इसको हाइड्रोपोनिक कहा जाता है. मतलब हम लोग पानी पे ही खेती करते हैं. तो इससे हम लोग को दो फायदे मिलते हैं. पहला फायदा मिलता है कि अब हमारी सॉइल डिपेंडेंसी खत्म हो गई. अब दूसरा एडवांटेज क्या मिल गया, जमीन में रिसोर्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं. अगर हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं तो सिर्फ 1% प्लांट तक जाता है, 99% तो बिखर जाता है. हाइड्रोपोनिक में हम लोग अभी उसको कंट्रोल कर सकते हैं. कम से कम रिसोर्सेस में हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाइड्रोपोनिक में ले पाते हैं. और हेल्दी रहता है इसका जो क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स उतने ही रहते हैं. पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है इसके अंदर. इट हैज ऑल द न्यूट्रिशंस वैल्यू, और इसमें कोई भी हैवी मेटल नहीं होता है, नेमाटोड्स नहीं होते हैं. मुझे अपना बिजनेस समझाइए, अब आप क्या करते हैं? एग्जांपल लेते हैं मिस्टर चौधरी जी करके. मिस्टर चौधरी जी बैंगलोर में रहते हैं, उनकी लखनऊ में जमीन है. अब उनको कुछ तो फार्मिंग करनी है वहाँ पे, क्योंकि जमीन आइडल पड़ी हो. देन दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर क्राइजन बायोटेक, या हमारे बारे में रिसर्च करना चालू करते हैं. तो वो हमारे पास आते हैं, वहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग उनका साइट इंस्पेक्शन करते हैं. साइट इंस्पेक्शन करने के बाद वी गिव देम अ रिपोर्ट कि आपको क्या उगाना चाहिए, कितना उगाना चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ROI या प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है. नाउ इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे इफ यू वांट टू गो अहेड एंड कंस्ट्रक्ट अ फार्म, हम उनको पूरा फार्म सेटअप करके देते हैं.
फार्म सेटअप करने के बाद उसको मैनेज करने के लिए लगने वाला सॉफ्टवेयर ये भी हमारे तरफ से दिया जाता है, लगने वाला ऑटोमेशन जो हाइड्रो बिल्ड है ये भी हमारे तरफ से दिया जाता है, एग्रोनॉमी सपोर्ट भी हमारे तरफ से दिया जाता है। वो क्या होता है? एग्रोनॉमिस्ट वो लोग होते हैं जो एक्सपर्ट पीपल हु कैन हेल्प यू इनटू ग्रोइंग। ठीक है। और इसके अलावा हम उनको बायर से भी कनेक्ट करते हैं मल्टीपल सिटीज के, जिनको कॉन्टेक्ट करके वो सीधा अपना माल बेच भी सकते हैं। डेमो दिखा दो। सबसे पहले कोई भी कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आता है उसके पास दो ऑप्शन है। अगर वो हाइड्रोफोनिक के बारे में जानना चाहता है तो हमारे पास कोर्स है हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास, वो कोर्स करके पूरी चीज समझ सकता है। इसके बाद हम उस कस्टमर के लिए एक साइट इंस्पेक्शन प्लान करते हैं। साइट इंस्पेक्शन में हम लोग उनसे पूरी डिटेल्स लेते हैं वहाँ पे साइट पे जाके, जैसे कौन सी जमीन है वहाँ पे, पेड़ पत्थर या फिर पॉन्ड या फिर ऐसी कोई चीज तो नहीं है। आप अपनी टीम भेजते हैं वहाँ सर्वे? हमारी टीम में से लोग जाते हैं। ये फ्री में हो रहा है सर्वे? नहीं, इसके लिए हम लोग उनको एक रिफंडेबल अमाउंट चार्ज करते हैं विच इज 50,000। अगर आप ऑर्डर नहीं देते हो तो जो भी खर्चा हुआ वो हटा के हम लोग आपको रिफंड कर देते हैं। गुड वे। ये डेटा लेने के बाद हम उनको देते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो पूरा एक एग्जीक्यूटिव समरी भी होता है, उसी के साथ पूरा प्रपोजल भी होता है कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। नाउ जब फार्म सेटअप कंप्लीट हो जाता है, हैंड ओवर कंप्लीट हो जाता है, देन कम्स द प्राइस वॉचर। तो प्राइस वॉचर की मदद से नाउ दे कैन डिसाइड कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्विस चार्ट लेते हैं तो स्विस चार्ट आने वाले समय में शायद गिर सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक हो गया ब्रोकली, ब्रोकली बढ़ सकता है। नाउ बेस्ड ऑन दिस दे कैन टेक द डिसीजन कि उनको ब्रोकली लगाना है। अब इनके पास दो ऐप है, एक ऐप है इनका खुद का और एक ऐप है इनके लेबर का, जो ये मोबाइल ऐप लेबर के पास होता है। हम व्यू करते तो हम लोग देख सकते हैं कि पानी का पीएच क्या है, टीडीएस क्या है, ये रीडिंग इस हाइड्रोबिल से ली जाती है। अब इसमें हम लोग चूज कर सकते हैं कि मैं वेजिटेटिव क्रॉप ग्रो करना चाहता हूँ कि मैं फ्रूटिंग क्रॉप ग्रो करना चाहता हूँ, बेस्ड ऑन ये पूरा फर्टिगेशन प्लान डिजाइन करता है उसका। उसके बाद हम लोग कल्टिवेशन फेजेस भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझको सीडलिंग फेज में रखना है, वेजिटेटिव में रखना है। इससे हम लोग को और डेटा मिलता है और इसके साथ ये पूरा काम करता है। या आपकी खुद की बनाई हुई डिवाइस? हाँ। मस्त है, आपने शॉपिफाई बना दिया हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का। तो आप उनसे एक वन टाइम फी चार्ज करते हैं टू सेट इट ऑल अप, उसके बाद मैनेजमेंट उनको ही करना है? मैनेजमेंट उनको ही करना है। ये हॉबी के लिए और खुद के खाने के लिए करते हैं कि टिपिकली फार्मर्स जो बना के बेचते हैं वो खरीद? ये कमर्शियल स्केल पे होता है बहुत ज्यादा, धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा। तो अगर मेरे पास कोई लैंड है, अगर मैं आपका सिस्टम लगाता हूँ तो मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा उससे? 7 times मोर यील्ड। तो एक एग्जांपल दीजिए, आप कितना पैसा बना सकता हूँ मैं? मुझे अगर 5000 स्क्वायर फीट की जमीन है मेरे पास मेरे गांव में, मैंने वहाँ पे ये फार्म सेटअप कर लिया, ये कॉस्टिंग स्टार्ट होती है 15 lakh से आसपास। उसके बाद मेरा जो यील्ड है ये लगभग 5 to 6 times बढ़ जाता है, एंड फ्रॉम दैट लैंड पार्सल मंथली आई कैन मेक अराउंड 1 lakh rupees to 125। वाओ। ये कहीं भी हो सकता है, कोई भी शहर, ये कहीं पर भी हो सकता है। ये जो आपकी सब्जियां हैं और नॉर्मल सब्जियां सेम होती है? सेम होती है। न्यूट्रिएंट वैल्यू वगैरह सेम होती है? ये बढ़िया होंगे, ये उससे बढ़िया होंगे। बढ़िया क्यों होंगे? क्योंकि टारगेटेड न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया, हैवी मेटल्स नहीं है इसके अंदर कोई भी प्रकार के। अभी भी अगर आप ओपन करके देखते हो ज़ेप्टो ब्लिंकिट कहीं पे भी, ये प्रीमियम पे बिकती है। कितना प्रीमियम? लगभग 30% to 40%। क्यों प्रीमियम? अगर 5-6 times यील्ड हो गया तो व्हाई प्रीमियम? क्योंकि उसकी डिमांड उतनी ज्यादा है और सप्लाईज कम। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं बहुत महीनों से, ज़ेप्टो ब्लिंकिट भाई आफ्टरनून 11 o'clock सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम कोर्स रन करते हैं हाइड्रोफोन कोर्सेस। कितने 10,000 लोगों को जा रहे हैं वो कैसे होगा? हम मीटअप्स रन करते हैं, हम लोग फार्मर्स को एजुकेट करते हैं, हमारे फार्म पे फ्री फार्म विजिट्स होती है। बट आर यू श्योर कि अवेयरनेस इज द ओनली रीजन? आई थिंक देयर मस्ट बी अदर चैलेंजेस। आई डोंट थिंक सो। ये एकदम ऐसे वाइल्ड फायर जैसे स्प्रेड नहीं हुआ इंडिया में, व्हाट इज द रियल रीजन? प्राइसिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कोई भी फार्मर है, अगर उसे कोई बोलता है कि 5000 स्क्वायर फीट का फार्म सेटअप करने के लिए आपको 1 crore रुपए का खर्चा आएगा, सबसे पहले वो कैलकुलेशन करेगा कि यार इसको रिकवर करने में मेरे को 15 साल लगने वाले हैं। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है वैसे-वैसे अडॉप्शन बढ़ रहा है। तो अवेयरनेस इज नॉट द रीजन, हाई कॉस्ट इज द रीजन। हाई कॉस्ट इज द रीजन। आप अब अपनी सेल बताइए। हमारा 2021 में 65,000 था, 2022 में 15 लाख था, 2023 में 1 crore 25 lakhs। ओके। इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रोजेक्टेड है 5 crore, अभी तक हमारा 2.25 हो चुका है। और ये 2.25 जो अभी तक हुआ है उसका ब्रेकअप बताइए। 5% कोर्स है, बाकी सारा सेटअप से। और कितने सेटअप करे आपने ये कमाने के लिए? कंसल्टिंग सेटअप पकड़ के 40 है, हम लोग के खुद के बनाए हुए 12 सेटअप। खाली 12 सेटअप? और 12 सेटअप से कितने पैसे बने? 2.5 crore और 1.5 crore पहले जो बने थे वो। और 5 crore ये साल बना लोगे? Yes, बना लेंगे। कितना प्रॉफिट निकालोगे? That will be 5%। तो मतलब 25 lakh रुपया बचेगा। इसमें आपकी सैलरी इंक्लूडेड है? ऑलरेडी सैलरी हम लेते हैं। सैलरी सब हटा। कितना सैलरी लेते हैं? मैं अभी 2 lakh रुपए ले रहा हूँ। प्रिया 1 lakh। कोई एग्जांपल दीजिए आपके प्रोजेक्ट का जो आप कर रहे हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि द पीपल हु स्टे इन सिटी, लेकिन उनकी फार्म लैंड है जो छोड़ के आ गए हैं, आइडल पड़ी हुई है, वहाँ पे कुछ इनकम लेना है, किसी को डिप्लॉय करके वहाँ से वो इनकम ले सकते हैं। दिस इज आइडियल कस्टमर बेस जो हम देखते हैं कि इससे ज्यादा कन्वर्जन हमारे होते हैं। Honestly,
इस एरिया में मेरी बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं जाऊंगी, ये समझूंगी, रिसर्च करूंगी, बिकॉज आई एम फैसिनेटेड बाई दिस, अंडरस्टैंड करूंगी, और जब मेरी इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज आ जाएगी, मुझे समझ में आएगा, देन मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगी. सो टुडे आई एम आउट. अभी आपकी टीम में कौन कौन है? अभी हम लोग की टीम में टोटल 11 लोग हैं, बाकी हम लोग के पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं. एंड को-फाउंडर्स? हम लोग दो फाउंडर्स हैं. जब हमने स्टार्ट किया था, आई हैड वन मोर फाउंडर, अभी तो वो काम नहीं करते फुल टाइम हम लोग के सर. ही हेल्प अस इन टू बिल्डिंग द अर्ली टेक. और उनके पास अच्छी इक्विटी है. आई होल्ड 58%, विश्व प्रताप सिंह होल्ड 42%. वो डाइल्यूशन के लिए रेडी है. वो मेन टेक को-फाउंडर है ही नहीं कंपनी में, वो छोड़ के चले गए. वो बाहर सेटल हो गए हैं यूरोप में. ही इज मेकिंग टू गुड सैलरी देयर. क्या सैलरी है आपके को-फाउंडर की यूरोप में? ही इज मेकिंग अराउंड 12 टू 13 लाख रुपीस अ मंथ. अगर वो सैलरी उनको मिलेगी तो ही वो आ जाएंगे. वो दिक्कत नहीं. तो टेक कौन बना रहा है? टेक अभी तो मैं और विक्रांत, हम दोनों ही बना. बिना टीम के आप टेक कितना बना लोगे? ना आप प्रोजेक्ट भी कर रहे हो. इसीलिए सर, फंडिंग लेके हमको सबसे पहले तो अच्छा सीटीओ लेके आना है. टीम बिल्डिंग पे हमको फोकस करना है अगले कुछ टाइम के लिए. पर अभी तक क्यों नहीं किया आपने? गेटिंग अ गुड टेक पर्सन इज अ लिटिल कॉस्टली अफेयर. You know, I'm somewhat misaligned, and I'll tell you why. आपका business is interesting. सच में अगर yield इतनी बढ़ती है और farmers के लिए अच्छा है, और आप कहते हो कि human beings के लिए भी ज़्यादा healthy है, तो बहुत अच्छा काम है. लेकिन because आपका services business है, project based business है, मेरे लिए ये predictability लाना, इसमें invest करना, ये समझना कि क्या return आएगा, जबकि model scale का आपका clear नहीं है, थोड़ा मुश्किल है. So I'm out for that reason. एक बात जरूर कहूंगा, हैप्पी टू गिव यू बिजनेस. मेरे पास काफी जमीन है एज एन एक्सपेरिमेंट. जरूर, चलो क्लाइंट तो मिल गया. क्लाइंट तो मिल गया. एज एन एक्सपेरिमेंट एक फार्म शुरू करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यस यस डेफिनेटली. जैसे वो कहते हैं ना, आइडिया हुज टाइम हैज नॉट येट कम. तो ये वो है, अभी उसका टाइम आया नहीं है. मे बी आ जाएगा 4-5 साल बाद. दिस माइट बिकम वन ऑफ द बिग थिंग्स. आज नहीं है, आज अभी कम है. मुझे तो पता था हाइड्रोपोनिक के बारे में, इनको आज ही समझ आया. तो अभी इसकी मार्केट थोड़ी एजुकेशन कम है. तो अच्छा, आप लोगों ने शार्क टैंक के मीडियम से सबको बता दिया. अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट. देखिए, सॉफ्टवेयर मुझे तो बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल जैसे लग रहा है कि अगर किसी को हाइड्रोपोनिक करना है तो वेरी सिंपल IoT प्लस सॉफ्टवेयर, इनक्रेडिबल वर्क दैट यू पुटिंग इन. चैलेंज ये हो रहा है कि अंदाजा लगाना कि ये कैटेगरी क्रिएट होगी कि नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. बिकॉज जो अभी आपके कस्टमर्स हैं वो सब थोड़े शौकीन लोग हैं, जो 20, 30, 40, 50 लाख इन्वेस्ट करके ये बेट ले सकते हैं. इसको मेन स्ट्रीम रिप्लेसिंग प्रोड्यूस करने में शायद 20, 30 साल लग जाएंगे. तो एज ऑफ नाउ ये इन्वेस्टेबल नहीं है, बट वेरी प्रॉफिटेबल. सो कंग्रेचुलेशंस ऑन व्हाट यू बिल्ट. आई एम आउट. थैंक यू. सी, आई थिंक दिस इज अ कैटेगरी क्रिएशन बिजनेस. अभी आई नो इसमें काम नहीं हुआ है. आपका पैशन बहुत ही अच्छा है यार. आई फील देयर इज अ जेन्युइनिटी इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बेटर करी जा सकती है बिजनेस की. जरूर. एंड आई लाइक द फैक्ट कि आप खुद एक इंजीनियर हैं, आप भी टेक्नोलॉजी हैं, आपका को-फाउंडर भी है, तो मिलके अच्छी टेक बनाई जा सकती है. राइट, मेरे को लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन दिस बिजनेस वेयर यू गिव अ फुल सर्विस मॉडल. तो देयर इज अ लॉन्ग टर्म बेट. मैं आपको ऑफर देता हूँ 75 लाख जो आपने मांगा फॉर 15% इक्विटी. साथ में आई टेक 2% ऑफ योर सेल्स टिल आई गेट 2 times माई मनी बैक. आई एम होपिंग दैट योर को-फाउंडर विल कम एंड जॉइन बैक. यू विल फिगर आउट अ वे फॉर हिम टू गेट स्टार्ट मेकिंग मनी. ये मेरा ऑफर है आपके लिए. छोटा सा सर, हम लोग कर सकते हैं चेंज. 75 लाख अगर 10% के लिए करें और हम लोग वी आर ओके विद द रॉयल्टी. नहीं यार, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि दिस इज वेरी अर्ली स्टेज इन योर बिजनेस. सर, आपको पैसा कमा के देंगे. दिस इज नॉट अ टिपिकल इन्वेस्टमेंट मॉडल जहाँ पे 3 साल में इन्वेस्टर आ जाएगा. दिस इज अ 10-year जर्नी. मैंने बहुत सोच समझ के आपको ऑफर दिया है, विच मेक सेंस. बिकॉज 15% इक्विटी समथिंग विच कैन गेट डाइल्यूटेड. यू कैन स्टिल गेट एन इन्वेस्टर. अभी आएगा नहीं इन्वेस्टर. यू हैव टू लिटरली सी मी एज अ थर्ड पार्टनर. घेऊन टाका. हम डील को ऐसे करेंगे कि हम आपके साथ डील पक्की करेंगे हम सर, और आप आपका फॉर्म हमें देंगे और आप हमें बताएंगे कि हमें कब ऑफिस आके मिलना है. ओके. ऑल राइट. यस, इट्स अ डील. वाओ. ओके. इनसेन डील. इनसेन. क्लाइंट लाएंगे. अनुपम के पास बहुत जमीन है ना. कस्टमर तो पक्के बन जाएंगे. बाय बाय बाय. थैंक यू. Very happy for you.